इग्नू पीजीडीटी MTT 053 के बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। यह पहला चैप्टर है, इसमें देखिए लिखा हुआ है। पहला चैप्टर जो है क्या है, उसमें भाषा की प्रकृति और स्वरूप कुछ इस तरह का इसमें वर्णन है। भाषा की प्रकृति और स्वरूप की विस्तृत चर्चा करिए, यह उनका असाइनमेंट में आया है, 10 नंबर का है। आपको पता होगा अगर 10 अंकों का कोई प्रश्न है तो उसमें क्या लिखते हैं। देखिए भाषा की अगर हम बात करें तो हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है। आप हिंदी भाषा ले लीजिए, हिंदी भाषा में मैं जा रहा हूं। अगर इस व्यवस्था को आप देखने का प्रयास करेंगे तो मैं कर्ता, जाना क्रिया और रहना रहा हूं यह सहायक क्रिया है। मैं लंदन जा रहा हूं, इसमें कर्ता, कर्म और फिर क्रिया आया है। लेकिन यही आप अंग्रेजी की बात करेंगे तो आई एम गोइंग टू लंदन हिंदी भाषा में, तो मैं लंदन जा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट आई और लंदन चूंकि दूसरा इसमें संज्ञा, दूसरी संज्ञा है, तो वह कर्म के रूप में मानी जाती है, वह पीछे चली जाती है। हर भाषा का अपना स्वरूप होता है और अपनी प्रकृति होती है। इसको हर भाषा का अपना स्वरूप और अपनी प्रकृति होती है, इसको कहा गया है, देखिए यहाँ सेमिनोलॉजी या प्रतीक विज्ञान है। प्रतीक का मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं लिखते हैं प्रतीक चिन्ह होते हैं। बोलता जैसे आपने क लिखा तो क भी एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह है। जैसे मान लीजिए आपने क लिखा, आपने म लिखा और आपने ल लिखा, कमल, जैसे ही आप कहेंगे तो यह एक तरह का प्रतीक अर्थात सिंबल बनता है। और कमल जब हम लिखेंगे तो हमारे मन में आएगा कि यह कमल एक प्रकार का फूल है जो पानी में खिलता है, यह स्वरूप आपके मन में आएगा कमल का। लेकिन अगर आप इसको बदल देंगे और ल म कर देंगे तो फिर इसका स्वरूप पुनः बदल जाएगा। आपको पता है यह कलम इस प्रकार की हो जाएगी। तो यह एक प्रकार की व्यवस्था है, देखिए इसमें लिखा हुआ है एक प्रकार की व्यवस्था में संयोजित है। क्या संयोजित है? भाषा जो है वह एक प्रकार के व्यवस्था में, एक प्रकार के व्यवस्था में संयोजित है। और यह किससे है? प्रतीक विज्ञान से इससे जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। प्रतीक विज्ञान को अंग्रेजी में सेमियोलॉजी कहा गया है, नोट करिएगा SEMIOLOGY। अब देखिए इसमें जैसे मैं बता रहा था, प्रत्येक भाषा में संरचनात्मक इकाइयां ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि एक विशेष ढंग से व्यवस्थित रहते हैं। मैं आपको बता रहा था जैसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी क्रम में वाक्य संरचना होगी, या फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब, बीच में वर्ब हमेशा रहेगा तो वो एक्टिव वॉइस में ले जाए या पैसिव वॉइस में। इसी तरह हिंदी की परिपाटी अलग है, अगर आप बांग्ला में है उसकी परिपाटी अलग है। तो जब आपको लिखने की आवश्यकता होगी तो आप यहां से शुरू करेंगे कि प्रत्येक भाषा की अपनी सेमिनोलॉजी, सेमियोलॉजी अपना प्रतीक विज्ञान होता है, और इस प्रतीक विज्ञान में हर भाषा की अलग संरचनात्मक व्यवस्था है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अब क्या क्या आता है, ध्वनि, ध्वनि मतलब फोनिम्स। जैसे मान के मैं क का उच्चारण कर रहा था और म और ल तीनों ध्वनियां हैं और तीनों ध्वनियां अलग अलग रूप में उच्चारित हो रही हैं, तो ये अलग अलग परिपाटी में चल रही है। हर भाषा की अपनी भिन्न ध्वनि व्यवस्था है, शब्द व्यवस्था है और वाक्य व्यवस्था है। जैसे इन्होंने ध्वनि व्यवस्था को कहा है कि जैसे मान लीजिए बांग्ला भाषा जो लोग जानते हैं, बांग्ला रसगुल्ला, हम लोग क्या लिखते हैं, रसगुल्ला। लेकिन यही बांग्ला भाषी जब इसका उच्चारण करेंगे तो इसमें ओ का उच्चारण करते हैं हर वर्ण के साथ, रसगुल्ला बोलते हैं वो, ठीक है। इसी तरह से अगर गुजरात के कोई लोग हैं तो गुजरात के लोग इसका अलग ढंग से उच्चारण करेंगे, उड़ीसा प्रांत के लोग हैं तो अलग। ये ध्वनियां हैं, हर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ध्वनि व्यवस्था, हर भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था है। जैसे अंग्रेजी में हाँ हाँ ऐसे बोलते हैं, हाँ ना से बोलते हैं, आई हो
इस तरह बोलेंगे कि जिसने कभी सुना ना हो समझ ना पाए। सबकी अपनी व्यवस्था है और सब अपनी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। तो आपको शुरुआत में यही लिखनी है कि हर भाषा की अपनी क्या है, सेमियोलॉजी। सेमियोलॉजी गिनती, क्या व्यवस्था, प्रतीक विज्ञान है और प्रतीक विज्ञान के अनुसार हर भाषा की अपनी क्या है, संरचना है, और उस संरचना के अनुसार हर भाषा की मूल इकाई अर्थात ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि होती है। आवश्यक नहीं कि हर भाषा की ये इकाइयां एक जैसी हो, यह आपका पहला उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या कहा जाता है। जैसे कुछ वाक्य इन्होंने दिखाया है, अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे यहां इन्होंने लिखा है कि संस्कृत में एक और संयुक्त स्वर ध्वनि थी जिसका उच्चारण औ के रूप में किया जाता है। क्या आप यहाँ देखिए हिंदी के कुछ वाक्य देखते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था हिंदी के वाक्यों में, यहाँ देखिए राम ने खाया, राम गया, राम ने खाया, खाया ध्वनि अलग चीज इंगित करती है और गया अलग क्रिया इंगित करती है। इसी तरह पढ़ा और आया, ये अलग अलग ध्वनियां इंगित करती है, इससे अलग अलग एक्शन अर्थात अलग अलग क्रिया होने का स्वरूप प्रकट होता है। अब देखिए यह कहा गया है ना, अब देखिए ये जो खाया शब्द है, आप देखिएगा अक्सर दक्षिण भाषी जो लोग हैं वो खाया का उच्चारण काया करते हैं, तुम खा लिया, इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो वही है कि हर शब्द की हर भाषा की अपनी अपनी व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के अनुसार उसमें वाक्य संयोजन रहता है और अनुवाद में इसका बहुत महत्व है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें अगले पृष्ठ में क्या लिखा है। अब मैं आपको यह बता चुका हूं, देखिए यहां लिखा हुआ है हिंदी वाक्यों में क्रियाकरण के बाद आती है, यह मैं बता चुका कि सबकी व्यवस्था जैसे अंग्रेजी में पहले आती है, यह मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद फिर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब देखिए यहां आपका जो अगला शीर्षक है भाषा व्यतिरेकी विश्लेषण और अनुवाद, चूंकि हम लोग अनुवाद कर रहे हैं तो भाषा व्यतिरेकी क्या है, कोई भी ध्वनि यदि भाषा की अन्य ध्वनियों के विरोध में लघुतम युग्म में उच्चारित हो, ध्वनि का मतलब जैसे हम क कहते हैं तो उसके छोटे रूप का अगर उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे यहां लिखा गया है कि जैसे धान है, फल है, फल है, ठीक है, इसके अलावा इन शब्दों के युग्म सभी ध्वनियां सिवाय एक के अलग अलग है, जैसे क ख क ख द ध प फ, ये ध्वनियां स्वनिम कही जाती है, स्वनिम अंग्रेजी में फोनिम्स कहे जाते हैं। तो हर वर्ण के फोनिम्स अलग अलग होते हैं स्वनिम, और इसके बाद फिर आरंभिक ध्वनियां जैसे काट मकर आदि है तो इनको कहा लिया जाता है, काट है, काट है, माता है और माता है। त का उच्चारण थ के रूप में नहीं हो सकता, थ का उच्चारण त के रूप में नहीं हो सकता, अगर आप उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होती है। तो इसी व्यवस्था को आपको ध्यान में रखते हुए करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है पिन टिन और किन का उच्चारण हिंदी भाषी पिन टिन और किन करेंगे, पर अंग्रेज क्या करते हैं, टिन छिन, टिन सीधा नहीं कहते छिन, उसी तरह से खिन कहेंगे हम, किन लिखते हैं ना, का उच्चारण करते हैं। तो हर भाषा की अपनी ध्वनियां होती है, पुनः एक बार रिपीट करते हैं, हर भाषा में अलग सेमियोलॉजी है, सेमियोलॉजी मतलब प्रतीक चिन्ह, प्रतीक विज्ञान है, और उसका स्ट्रक्चर संरचनात्मक व्यवस्था अलग होती है, इसके साथ ही उसकी उच्चारण व्यवस्था अलग होती है, उच्चारण व्यवस्था के बाद उनके स्वनिम्स फोनिम्स कहते हैं उनकी भी व्यवस्था अलग अलग होती है। 10 नंबर का आपका असाइनमेंट है, उसमें आधा यह लिखेंगे तो 3 से 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं ध्वनि विज्ञान को थोड़ा सा और इसमें विश्लेषित किया गया है। देखिए अब इसके बाद स्वनिम की पूरी अवधारणा इसमें लिखी गई है, ठीक है,
इसके बाद स्वनिम के बाद थोड़ी और अवधारणाएं लिखी गई हैं। तो अब बाकी जो अवधारणाएं, यह मैंने आपको असाइनमेंट का पहला प्रश्न का आधा बताया है, बाकी आधे के लिए एक बार पुस्तक के इस अंश को पढ़ लें, आप आराम से लिख पाएंगे। रही बात अगली चर्चा अगले सत्र में आपकी डिमांड आने के बाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।